स्थानीय वेटनरी हॉस्पिटल में एनिमल हस्बेंड्री एजुकेशन एंड अवेयरनेस दो दिन का कैंप लगाया। इस कैंप के समापन समारोह पे मुख्य अतिथि SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत पहुँचे और उन्होंने 20 महिलाएं जो जिन्होंने प्रशिक्षण लिया उनको बताया कि पशुधन एक अमूल्य धन है और इसमें बहुत सी संभावनाएं भी हैं, और महिलाओं से उन्होंने सवाल जवाब भी किए कि इस प्रशिक्षण कैंप में आपने क्या सीखा है। इस अवसर पर डॉक्टर सुधीर मलिक, डॉक्टर ग्रेवाल व अन्य वेटनरी हॉस्पिटल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर जहां दो दिन का एनिमल हस्बेंड्री एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंप चला। आज समापन समारोह पे आदरणीय SDM साहब डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी यहां पहुंचे हैं, डॉक्टर ग्रेवाल हैं जो SDO हैं, डॉक्टर सुधीर मलिक जी हैं जो यहाँ वेटनरी सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आप स्वयं यानी कि HAU के डॉक्टर हैं, वहाँ के PhD हैं। दो दिन का ये कैंप चला है यहाँ पर और महिलाएं, खासकर 20 महिलाओं को हरियाणा यानी कि पूरा प्रदेश, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और पशुधन को हम संजो के रखते हैं और स्कीम्स को भी बहुत यानी कि पर्सोनिफाई करते हैं, ऑनलाइन स्कीम्स को भी आपने यहाँ एड्रेस किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि और आसन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने दो दिन के दौरान जो यहाँ कैंप लगा तो क्या एडजस्ट किया यहाँ महिलाओं ने, आपने क्वेश्चनिंग भी की होगी, क्यों कुछ सीखा है? देखिए, मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर दो दिन का शिविर लगाया गया था, ये शिविर में 20 महिलाओं ने भाग लिया था और इन्होंने बताया, जो यहाँ पर इनको बताया गया कि पशुओं को उनका रख रखाव कैसे करना है, जब पशु गर्भ धारण करता है उससे लेकर उसके डिलीवरी तक कैसे वैक्सीनेशन करवानी है, उसके बाद जब पशु बच्चे को जन्म देता है उसके बाद बच्चे को और जो बच्चे की मदर होती है उन दोनों का रखरखाव कैसे करना है, इसके अलावा उनको खाने में क्या क्या दिया जाना चाहिए, छोटे बच्चे को कब कब दूध पिलाना चाहिए, ऐसे तमाम बातें इनको बताई गई। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन महिलाओं ने, जो आपके सामने सभी ने बताया कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं, कुछ गेन भी किया है। अच्छा। और जैसा कि आपके सामने एक प्रगतिशील किसान ने बताया कि वो पिगरी से भी जो है ना काफ़ी पैसे कमा रहा है, सुरेंद्र नाम का किसान ने, एक महिला ने बताया कि 10 पशु जो है ना वो रख रही है, दुधारू पशु, ललिता। ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जो सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सब का यही मकसद है कि आम आदमी तक उनका लाभ पहुंचे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आम लोगों तक यहाँ पर लाभ पहुंच रहा है। डिफरेंट स्कीम्स आती हैं और ये ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, इनकी स्कीम्स सारी ऑनलाइन होती हैं, ये इन तक पहुँच पाती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आपके सामने ही हैं, सभी बता रहे हैं कि ये हमारे पास पहुँच रही हैं। और जो ऑनलाइन की बात कर रहे हो तो CSC सेंटर सभी जगह खुले हुए हैं, CSC सेंटर पे जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे अभी मिल्किंग की बात चली कि दुधारू पशुओं को प्रोत्साहित करने के लिए, और बल्कि जो बुल काफ होते हैं हमारे, जो झोटे होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुर्रा डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, उसके लिए भी ये लोग, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर एक पशु भी आपका दूध देता है, दूध देने वाला है, तो आप उसको, अगर आपको लगता है वो दूध 22 किलो से ऊपर दे रहा है तो आप उसको ला के कभी भी अपने दूध की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं ताकि उन लोगों को जो है ना उसका लाभ मिल सके। पशुधन आजीविका कैसे बने? पशुधन आजीविका बनाने, पशुधन तो आजीविका तो होते ही है, लेकिन एक प्रॉफिट जो है ना ओरिएंटेड अगर बनानी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो अगर आप एक पशु रखते हो तो उस पर खर्चा नहीं निकल पाता है। मुझे जो लग रहा है, बाकी तो ट्रेन जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर ये बताएंगे, कम से कम 4 पशु मेरे हिसाब से जो है ना होने चाहिए, बाकी डॉक्टर बताएंगे। दूसरा ये है कि ब्रीड को सुधारो, जितना SDO डॉक्टर ग्रेवाल, हाँ जी, जितना आप ब्रीड सुधारोगे ना, ब्रीड सुधार प्रोग्राम पर हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं, जैसे एक पशु तो 10 किलो दूध देता हो, अगर हमेशा पशु ले जो 16 17 18 20 या 25 किलो दूध का हो तो तीन भैंसों का या तीन पशुओं का तो वैसे ही काम चला दे देगा। अच्छा पशु हो चाहे नंबर कम हो, पर दुधारू पशु, दूध की मात्रा ज़्यादा हो, और इसीलिए हम ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं और इसी तरह ताकि मतलब जैसे जैसे ब्रीड सुधरेगी, ब्रीड वो अच्छी होगी तो दूध सुधरेगा, दूध सुधरेगा तो खुशहाल होगा किसान। मैं सुधीर मलिक, डॉक्टर सुधीर मलिक जो बहुत ही यानी कि मुस्तैद रहते हैं, लुकिंग वेरी एलिगेंट हियर टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो दो दिन ऑर्गेनाइज करवाया डॉक्टर साहब के रहनुमाई में, तो ये 20 जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने क्या क्या कुछ ग्रैब्स भी किया है? इन्होंने ग्रैब्स किया है, ये RKVY रफ्तार के तहत ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंप लगाया है, जिसमें हमने जितने भी फार्मर्स ओरिएंटेड जो हैं, जो एनिमल्स जो रखते हैं, उनको हमने यहाँ पार्टिसिपेंट्स के तौर पे बुलाया गया है और हमने सारी उनको स्कीम्स के बारे में, उनको कैसे कैसे रख रखाव करना है, उनका वैक्सीनेशन है, उनकी डिवॉर्मिंग है, क्या क्या हमारी डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हो अपने आप को डेयरी एग्रीकल्चर के साथ साथ, डेयरी का भी उतना ही बेनिफिशियल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये थे यानी कि SDM साहब और SDO साहब और वेटनरी सर्जन और इनके साथ बेनिफिशरीज जितने भी हैं। तो इसी तरह पशुधन को उत्थान के लिए और महिलाओं तक और हमारे पशुपालकों तक ये स्कीम्स पहुँचे, इसका मकसद यही था। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, देखते रहिए हाँसी।